सो ही गाइज वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखो ये कोई मीन्स मेन वीडियो का मोटिव जो मेरा होने वाला है मैं पहले ही बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे बताऊँगा हाउ टू क्रैक द एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम जो कभी भी कंडक्ट करा जा सकते हैं आफ्टर द लॉकडाउन। ठीक है, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा तब तक एग्जाम का कोई डेट नहीं आने वाला। बट क्या है, अपने को प्रिपरेशन करना है, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, अपना टारगेट है इंडियन एयरफोर्स पे जाने का। सो अपने को पढ़ाई कैरियर ऑन रखना है और जब पेपर देंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले हैं कि आउट ऑफ 50 वाई ग्रुप पे 45 प्लस लाना है, एक्स ग्रुप पे 50 तक तो पहुंच जाना है। देन मतलब कि मेरिट का कोई टेंशन ना रहे और सीधा अपना बस मेडिकल क्लियर, देन पीएसएल ग्रीन कार्ड हाथ में लिए पीएसएल का वेट कर रहे हैं। अभी अपने को सीधा ज्वाइनिंग पे जाना है बेलगावी और वहाँ पे ट्रेनिंग करना है। ओके, सो उसी के लिए यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, कैसे क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे मैं दो टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। दोनों टॉपिक क्या है, फर्स्ट वन इज मैथ एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश। ओके, सो हाउ टू प्रिपेयर, बट सेकेंड वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। अभी ये फर्स्ट है, अभी एक ही वीडियो पे सब घुसेड़ दूं तो समझ पे नहीं आएगा और वीडियो 30 मिनट का बन जाएगा और मैं अच्छे से बता भी नहीं पाऊंगा और आपका भी काम नहीं हो पाएगा, मेरा भी काम नहीं हो पाएगा। मतलब हो काम वाली बात नहीं, बट आपको समझ में नहीं आएगा और फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला मुझे ऐसा लगता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट टिकटॉक एंड टिकटॉक और वर्सेस यूट्यूब जो चल रहा है अभी अच्छा है, मैं भी उस पर देखता रहता हूँ बेसिकली। सो अपडेट के अकॉर्डिंग क्या है कि टिकटॉक की रेटिंग 4.5 थी, अभी जाके आप देखोगे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 130 पे की रेटिंग 2 हो गई है। एंड मुझे अच्छा लगा भाई, देखो हम चाइनीज प्रोडक्ट का एकदम से तो बहिष्कार नहीं कर सकते, बट डे बाई डे कुछ चीज़ों का, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ठीक है, तो मैं ओप्पो के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और ये भी प्रोडक्ट चाइना का है। कोई भी अभी आप वीडियो देख रहे हो रेडमी का फ़ोन बहुत लोगों के पास होगा। सो भाई एकदम से मतलब हम थोड़ी कि गिव अप कर दें, बहुत सारी मार्केट पे ऐसी चीज़ें चाइनीज़ अवेलेबल हैं जिन्हें हम बिल्कुल अगर एकदम से गिव अप कर दें तो मतलब हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। मैं फ़ोन गिव अप कर दूँ आपको वीडियो कैसे बना के दे पाऊँगा। सो डे बाई डे धीरे धीरे, और भाई इतना इतना गंदा ऐप है ये टिकटॉक नाम का, भाई अपना जो न्यू जनरेशन है ना उन्होंने बना दिया और दे दिया इतने मतलब कि एक, चलो हटाओ बाद में कभी बात करेंगे। अपना जो एजुकेशनल वीडियो है उस पर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो अभी भी अनइंस्टॉल कर दो, घर पे जिसके फ़ोन पे अनइंस्टॉल मार दो और रिपोर्ट मार दो, बस खत्म, दैट्स इट। ये मेरा सजेशन आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा, आप हो सकते हैं मैं भी टिकटॉक स्टार हो तो ऑल द बेस्ट है, अच्छा करो ठीक है, अच्छा रहेगा। सो अपने टॉपिक पे आते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैसे पढ़ाई करते हैं। सो सबसे पहला नंबर होता है इंग्लिश, हाउ टू मीन्स देखो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी डबल एच एस आर, चार चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्या बात करता है, प्ले करता है रोल एयर फोर्स नेवी पे, इंग्लिश रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कब पढ़ा, कैसे पढ़ा। सो आफ्टर क्लियरिंग द 12th एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं कहीं पे नहीं गया और मैं अपने घर पे ही हमेशा रहा और यहीं पे सेल्फ स्टडी करके ही क्रैक किया। मैंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं की कहीं भी, ठीक है। कानपुर मेरा मीन्स कानपुर, मैं मान लेते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं कानपुर स्पेसिफिक कानपुर पे रहता नहीं हूँ। सो मैं एक बात बताता हूँ, YouTube is good, An Academy is good, but An Academy पे अभी स्टार्टिंग पे अच्छा था, अभी सब वो पेड कोर्स चलाते हैं तो पेड वाला अपने को लेना नहीं है, सीधा जहाँ फ्री मिले वो पढ़ो। अभी इंग्लिश की बात करते हैं तो भाई इंग्लिश के लिए मैंने सबसे पहले एक बुक, जब मैंने 12th किया तब भी मैंने, क्योंकि मुझे पता था मुझे एयरफोर्स जाना है, तो मैंने केवल लूसेंट मंगा लिया, ऑनलाइन ही मंगाई थी, अमेजोन से ऑर्डर कर दी, मतलब भैया से एक बगल पे रहते थे उनसे कहा कि भाई अब मंगा दो एंड बाकी सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। सो उन्होंने मंगा दी और उसके बाद मैंने इसी को पढ़ना स्टार्ट किया। डे बाई डे मैं पढ़ता रहा, रूल्स पूरी की पूरी पढ़ डाली। मान लो देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट वन कौन से होते हैं, एक तो जो पूरा बिल्कुल एग्ज़ाम आता है तो बिल्कुल रट्टा मारते रहते हैं, मीन्स पढ़ाई करते रहते हैं धुआंधार। और सेकेंड वन जो होते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले जैसे पता लगा परसों एग्ज़ाम है, मीन्स उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है और थोड़ी बारी देर प्रैक्टिस करके वो अपना पूरा पूरा बैकअप कर लेते हैं। सो भाई सीन क्या है पढ़ाई की, मैं पहले वाले में से था कि पढ़ता रहता, जैसे पता चला एग्ज़ाम आ रहा है 10 दिन बचे एग्ज़ाम के, तो फिर पता लगा भाई 24 आवर में बंदा 12-14 आवर तक पढ़ता मीन्स पढ़ते रहो। तो ऐसा अगर बने हो तो मतलब ये वाला बंदा सही नहीं होते हैं, मैं अपने आप को बता रहा हूँ। मतलब मान लो अपनी कहता बेइज्जती कर रहा है, भाई बेइज्जती नहीं कर रहा मैं बता रहा हूँ, वो बंदे अच्छे होते हैं, मतलब कि वो मतलब थोड़ा सा बैकअप करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं, शायद तुम्हारे साथ में खेलते रहें और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो तुमसे ज़्यादा नंबर ले आएँ और तुम बैठे हो, ठीक है, या फिर तुम्हें पढ़ाका 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 बोलते रहें और ऐसा कुछ। सो फिर मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, इसी लूसेंट से स्टार्ट किया। सो पढ़ते रहे, धीरे धीरे से करके मैंने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट टाइम फिर मैंने एग्ज़ाम दिया,
सो इंग्लिश पे सबसे पहले मैंने मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दिया था 2017 पे ही, जब मैंने ट्वेल्थ किया था। सो जब मैंने ट्वेल्थ क्लियर किया देन मैंने सितंबर पे, सो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मर्चेंट नेवी बरेली से क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं वहाँ पे गया, जब सेंटर पे तो फर्स्ट टाइम ही मेरा मतलब जब सब कुछ हो गया तो क्लियर हो गया। सो अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से इंक्रीज़ हो गया। घर वाले ने बोला कि ज्वाइन कर लो। सो उसके लिए वो ट्रेनिंग जाते टाइम 2 लाख रुपये मांग रहे थे कि अपना ट्रेनिंग पे आपको 2 लाख रुपये चाहिए। तब फाइनेंशियल मीन्स अभी भी नहीं सही है, बट बैक वाली जो कंडीशन थी फैमिली वाले वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने कहा भाई अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, मैं क्यों ज्वाइन करूँ, मैं अपना एयरफोर्स नेवी जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा, प्राइवेट पे क्यों जाऊँ अभी से। तब मेरा एज भी कम था, मीन्स ट्वेल्थ क्लियर ही किया था, 3 महीने बाद मैंने जस्ट फॉर्म फिलअप किया था, ऑफलाइन था और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हुआ था बरेली पे, यूपी पे ही पढ़ता है। तब मैंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर इंग्लिश डे बाय डे, अभी इंग्लिश पे मेन टॉपिक्स में बाहर जा रहा हूँ। सो मैं अपने बारे में बताने लगा। सो मैंने लूसेंट से पढ़ा धीरे धीरे, और ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश का कोई भी बुक लो, कोई सा रूल लो, कोई सी भी बुक लो, चाहे जहाँ से पढ़ो ठीक है, बट रूल्स है ना बाहर से तो आएंगे नहीं, इसी से आएंगे। कोई भी बुक हो ना इंग्लिश का, मैटर नहीं करता कि आप लूसेंट से पढ़ते हो, करतार से पढ़ते हो, आर्यन से पढ़ते हो, पाथफाइंडर से पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो, ये मैटर नहीं करता। रूल्स हैं, राइट वे से पढ़ो बस, अच्छे वे से। किसी पे मैं बता देता हूँ डिफरेंट क्या होगा, किसी पे ज़्यादा अच्छे से लिखा होगा डार्क पे, किसी पे कम अच्छे से लिखा होगा, कम डार्क से लिखा होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बेसिकली अपने को भी पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ठीक है। मैं भी आपको पैरामाउंट दिखाऊं, अपनी पाथफाइंडर दिखाऊं पैरामाउंट, तो उसमें होगा क्या कि ये उसमें थोड़ा सा बड़े डिजिट में, क्योंकि बुक पड़ी है और उसका अमाउंट भी ज़्यादा है, ये अपने 100 रुपये पे आ गई थी, वो 200-300 पे आई है बुक। सो यही डिफरेंस है भाई। पीडीएफ अपने पास पीडीएफ अवेलेबल है, उससे पढ़ लेता हूँ। अभी क्या है कि सर कहते तो कैसे पढ़ाई की, तो इंग्लिश सेक्शन पे मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। हमेशा आपका पैसेज इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सही, सबसे पहले नंबर तो वर्क करो अपना स्पीकिंग पे, जितना अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो उतना अच्छा करो ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग ऐप्स डाउनलोड करो, जितना ज़्यादा इंग्लिश मीन्स स्पीकिंग वर्क करो इसी पे, लिखो और बोलो, लिखो बोलो, लिखो बोलो, जितना ज़्यादा जितना अच्छा इंप्रूव कर सकते हो उतना अच्छा। मेरा भी उतना अच्छा नहीं है, बट मैं डेली ट्राई करता हूँ। पढ़ना भूल सकता हूँ, खाना खाना भूल सकता हूँ, जैसे मोबाइल चलाना नहीं भूल सकता ठीक है, ऐसे खाना खाना भूल सकता हूँ, बट इंग्लिश प्रैक्टिस वाला भी बिल्कुल मैंने उसी टाइप का रूटीन बना रखा है कि वो नहीं भूल सकता चाहे जो भी हो जाए। सो उसी वे पे इंग्लिश को अच्छा करना, जितना अच्छा कर पाओगे उतना भाई आगे चल के प्रॉफिट मिलेगा, 101% डैम श्योर हूँ, और देखना मिलेगा आपको भी। सो प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद अगर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बोलें कि भाई आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्या पढ़ें, सो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश सेक्शन पे मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ बिल्कुल सिंपल सिंपल से। सिलेबस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। पैसेज आपको नहीं भी आता है, थोड़ा बड़ा इंग्लिश जानते हो ना, पांचों के पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, कभी भी एग्जाम पे जाना पांचों के पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। उसका डायरेक्ट पे भाई डायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेवी पे 2 नंबर का आता है, एयरफोर्स पे 1 नंबर का आता है, पैसिव वाइज नेवी पे 2 नंबर का, एयरफोर्स पे 1 नंबर का। उसके बाद वो कैप्स, अगर वो कैप्स पे आपका कमांड नहीं है तब तो आप उसे छोड़ सकते हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स। और देखो नेवी का जो बुक है मैंने दोनों का दिया, और एग्जाम्स वगैरह में मुझे अच्छे से पता है। बेसिकली आप में से बहुत लोगों ने दिया होगा, क्रैक भी किया होगा, मे बी ये वीडियो देख रहे हो तो ब्रदर आपको भी पता होगा कि नेवी का एग्ज़ाम टफ होता है इन कंपेरिजन देन एयरफोर्स। बिकॉज नेवी का क्या है, नेवी भाई केवल एग्जाम ही कंडक्ट रहती है, उसके बाद आप मेडिकल फील्ड भाई ज्वाइनिंग पे चलो चिल्का ट्रेनिंग चलते हैं, और एयरफोर्स पे फेस सेकेंड देना है। क्या होता है फेस सेकंड, देन मेडिकल, मेडिकल बाद रीमेडिकल, रीमेडिकल बाद पीएसएल, पीएसएल के बाद इनरोलमेंट, इनरोलमेंट के बाद ज्वाइनिंग जाओगे तो ट्रेनिंग सेंटर पे मेडिकल, उसके बाद फिर वहाँ से ज्वाइनिंग के लिए फिर निकलोगे। मीन्स एयरफोर्स पे मैं प्रोसेस बताते बताते थक जाऊंगा तो भी मतलब आप बहुत मुश्किल है एयरफोर्स पे सिलेक्शन लेना, मुश्किल नहीं है बट एक कंपेरिजन करो इन कंपेरिजन देन नेवी। पढ़ते रहो इंग्लिश, तो इंग्लिश का कुछ इस टाइप पे रूल होता है कि इंग्लिश उसके बाद प्रीपोजिशन कर लो, कंजक्शन कर लो, कुछ टॉपिक्स हैं जो इस पर आपको अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, बाकी और कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आप इससे 15 नंबर तक नेवी का अगर पेपर दे रहे हो तो 25 में से 15 नंबर तक टारगेट करके आराम से नंबर ला सकते हो, 25 में से 15 ठीक है ना, समझे। जैसे कि मैं फिर से बोलता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, पैसिव वॉइस कर लो, उसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वो गैप्स वगैरह कर सकते हो तो कर लो, पैसेज कर सकते हो अगर पैसेज पे मीनिंग्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप कर सकते हो पैसेज ठीक है ना। बाकी आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम पे, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड बताता हूँ,
स्पेलिंग टेस्ट पे आपको फ्री का नंबर मिलता है। मीन्स इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको पहले से पता है कि भैया डायरेक्ट आएगा, पैस्यू आएगा, स्पेलिंग टेस्ट आएगा, मैथ्स पे पता है क्या कौन से टॉपिक से क्या सवाल आएगा, पता लगा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पढ़ के गया, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आया और पता लगा इंटीग्रेशन से चार क्वेश्चन आ गया, ये मैथ का है। बट डायरेक्ट में नेवी के एग्जाम पे दो डायरेक्ट आएंगे, दो पैस्यू आएंगे तो आएंगे, वो मैं श्योर हूँ। और अगर मुझे उस पर कमांड है तो चार नंबर मेरे कहीं नहीं गए, वो पहले से 100 पे 4 नंबर मेरे निकाल के साइड पे रख दो, ठीक है ना। सो ऐसा है इंग्लिश का। आर्टिकल से क्वेश्चन होता है, सेंटेक्स आप रूल्स पढ़ सकते हो, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड, नॉट, बट नॉट, लाइक, एज वेल एज, वगैरह वगैरह आप सभी जानते हो। उसके बाद नाउन वगैरह ना पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ सकते हो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बाकी सब कुछ चीज़ें इंग्लिश पे तो इतना अच्छा। मीन्स इंग्लिश के लिए मैं इंग्लिश के लिए कुछ जर्नल्स भी रिकमेंड कर देता हूँ। एक नीरज सर करके आप सभी बोलते रहते हो, नीरज सर, मैंने उनकी क्लास नहीं ली बट अच्छा पढ़ाते होंगे सर, मैंने उनका मीन्स इमेज जरूर देखा है, सो एक्सपीरियंस होल्डर लगता है, सो आप उनसे पढ़ सकते हो। राम सर से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनकी क्लास राम सर की क्लासेस ली हैं, एंड अदर चॉइसेस हैं आपके सामने। और देखो इंग्लिश की बात कर लेते हैं ना, पूरे YouTube पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा, चाहे जहाँ पे इंग्लिश, तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैं स्पेशली फॉर एयरफोर्स नेवी बता रहा हूँ, मैंने राम सर से काफ़ी क्लासेस ली हैं, अपना रियल बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ कि सर ने काफ़ी अच्छे से, मेन बेसिकली उन्होंने वो बताया जो अपने को लेना चाहिए, जो अपने को पढ़ना चाहिए, वो उन्होंने उस लेवल का बताया। नीरज सर से मैंने क्लासेस नहीं ली बट वो अच्छा पढ़ाते हैं, बिकॉज मैंने आप लोगों की कमेंट्स देखे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो यू कैन विजिट इन दिस चैनल, मीन्स उनके चैनल पर आप जरूर विजिट कर सकते हो। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप बता सकते हो जो अच्छे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे भैया, प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब, टिकटॉक तो है नहीं। सो अपने को ऑनलाइन पढ़ना है, अनअकैडमी पे प्लस प्लस कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो। हाँ मैं एक बात बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैथ का भी लेके रखा था, बट मैं मैथ का भी नहीं बताऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जो ब्रदर लाने वाला हूँ उसमें मैं मैथ, फिजिक्स एंड जीके तीनों को कंप्लीट कराऊंगा। सो डोंट वरी एंड ऑल द बेस्ट। अभी इंग्लिश आपको पढ़ना है, अच्छे से इंग्लिश पढ़ना है, जितना ज़्यादा जहाँ से इंग्लिश कंप्लीट कर पाओ वो करो, एंड यही सारी की सारी स्ट्रेटजी है, यही के सारे पॉइंट। अब देखो अगर मैं एक बार मैं बता दूँ कितना पढ़ता था, तो मतलब 1 आवर का वीडियो बने है ना, कि दिन में कितने टाइम क्या करता हूँ कैसा क्या, तो ज़रूर बताऊँगा। अभी आपको कोई सा बुक हो इंग्लिश का, फर्क नहीं पड़ता, नया बुक नहीं मंगाने का, बगल से मिल जाए बगल से ले लो, दोस्त से मिल जाए दोस्त से ले लो, उससे मतलब किसी से भी मिल जाए तो ले लो। रुपये अगर 100 लगते हैं तो मत लगाओ, अगर फ्री पे मिल रहा है बाई चांस पढ़ने को, भाई रात में पढ़ना है, अगर बंदा नहीं दे रहा तो फिर तो बाई कर लो, मेहनत कर लो, जैसे भी कर पाओ कर लो, ठीक है, दैट्स इट। एंड और भी जो आपके डाउट्स हो तो आज करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तब से बाय बाय, जय हिंद जय भारत, अनइंस्टॉल द टिकटॉक एंड वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।